सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में जो आपका अग्निवीर वायु का सिलेक्शन है उसमें आपकी सैलरी कितनी होगी। क्लियर, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब इस नोटिफिकेशन के उस पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं जिसमें आपको पता चले कि इंडियन एयरफोर्स में अगर आप अग्निवीर वायु बन के जा रहे हो तो आपकी सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी होगी। तो अगर मैं इस पोर्शन में आ जाऊँ जहाँ पर सैलरी को बताया हुआ है, तो देखो यहाँ पर ये क्लियर बता रहा है नोटिफिकेशन कि आपको मंथली पहले साल में 30,000 रुपये का कस्टमाइज पैकेज है, जिसमें से आपको 21,000 रुपये हाथ में मिलेंगे, बाकी 9,000 आपके जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है उधर चले जाएंगे, फिर 9,000 गवर्नमेंट मिलाएगी, यानी 18,000 आपके कॉर्पस फंड में चले जाएंगे पहले साल, पहले महीने से हर महीने जाते रहेंगे। तो ऐसे करके आपका जब 4 साल कंप्लीट हो रहा होगा तब आपको 10,00,000 रुपये जो मिल रहे हैं वो ऐसे मिलेंगे, यानी कुछ पैसा आपका लिया जाएगा और उतना ही पैसा सरकार मिलाएगी, दोनों मिला के आगे फंड्स में डाल देगी कॉर्पस फंड में, उस फंड में इंटरेस्ट के साथ जो पैसा बढ़ेगा वो बाद में आपको 10,00,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। यह है पहली बात। तो क्या मतलब है इसका कि आपको इन हैंड सिर्फ 21,000 रुपये मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो 21,000 रुपये ये बता रहा है कि पहले महीने 21,000 मिलेंगे, दूसरे महीने 23,000 मिलेंगे, फिर तीसरे महीने आपका 25,000 होगा, लास्ट में 28,000 होगा, यह एक बेसिक प्लस डी ए जो फिक्स्ड पे है आपकी वह है। आपको इसके बाद, ये आपकी बेसिक पे है जो फिक्स्ड पे सरकार दे रही है, फिर इसके बाद जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे जैसे आपको एयरफोर्स में बाकी लोगों को अलाउंसेस मिलते हैं वैसे आपको भी अलाउंसेस मिलेंगे। जैसे देखो पॉइंट नंबर 14 पढ़ो, क्लियर कह रहा है इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस विल बी पेड। यानी अगर आप कैसे कोई ऐसे रिस्क एरिया में हैं, पूरा 7th पे कमीशन का एक रिस्क मैट्रिक्स है कि आप रिस्क 1 में हो, हार्डशिप 2 में हो, रिस्क 2 में हो, हार्डशिप 3 में हो, जिस लेवल में अगर आप हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। रिस्क 1 हार्डशिप 1 का अलाउंस कुछ है, रिस्क 2 हार्डशिप 2 का अलाउंस कुछ है, तो ऐसे आपको अलग अलग उसका अलग अलग पैसा मिलता है, तो आपको वह पैसा मिलेगा। फिर ड्रेस का पैसा मिलेगा, आपकी जो ड्रेस किट होगी जो आप लोगे उसका ड्रेस मेंटेनेंस का पैसा मिलेगा, और ट्रैवल अलाउंस का आपको पैसा मिलेगा, यानी पर मंथ जो आपका ट्रांसपोर्ट ट्रैवल अलाउंस होगा TPT होगा उसका पैसा मिलेगा। तो लगभग आपके हाथ में फिर से मान लो 30,000 रुपये तक आ जाएंगे इन तीनों को जोड़कर, तो लगभग आपको 28,000 से 32,000 के बीच में पर मंथ सैलरी मिलेगी जब आप अग्निवीर वायु की तरह एंटर हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी कि आपको 28,000 से लगभग 32,000 के बीच में सैलरी मिलेगी अगर आप अग्निवीर वायु हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो यह अलाउंसेज नहीं मिलेंगे, तब आपको 21,000 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ताकि और लोगों के पास यह इन्फॉर्मेशन जाएंगे। जितना वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो और लोगों के पास YouTube के थ्रू सर्कुलेट होगी और प्रमोट होगी। अगर आप नहीं लाइक करोगे तो ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जाएगी। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।